नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक पीर बाबा दरगाह के रख रखाव के लिए 1,00,000 रुपए का दान दिया है। सेना के दान देने के बाद पूंछ के सुनी गली बॉर्डर पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मोहम्मद सुल्तान ने कहा कि मैं भारतीय सेना का आभारी हूँ जिसने 1,00,000 रुपए का दान दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले मुसाफिरों को कई तरह की दिक्कतें होती थी, लेकिन अब सेना ने शेड पक्के करने के लिए 1,00,000 रुपए का चेक हमें दिया है। हम उनके दिल से आभारी हैं। वहीं सरपंच अब्दुल हफीज ने भी कहा कि मैं इस सहयोग और समर्थन के लिए भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने यहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल है। पीर बाबा के यहाँ खानगाह है और इनके ऊपर बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है। जो लोग यहाँ आते हैं खानगाह पे, उनके लिए बड़ी परेशानी थी यहाँ लोगों के, मुसाफिरों के रहने के लिए। जायरीन आते थे, खासकर जो मस्तूरात औरतें आती थीं, उनके रुकने के लिए थोड़ी देर जगह नहीं थी। तो आज सीओ साहब ने एक शेड पक्के के लिए 1,00,000 रुपये का चेक दिया है। हम बहुत मुबारक देंगे सीओ साहब को। आज के इस मुबारक मौके पर हम अफवाज हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, बिलखसूस 10 जैक राइफ के सीओ साहब का, जिन्होंने हमारे इस काम में बहुत बड़ा कॉपरेट किया। यहाँ ज्यारत पर हमेशा हमारी न्याज नज़र उर्स वगैरह होते रहते हैं और यहाँ पर बैठने की बहुत किल्लत थी, और यहाँ पर एक अच्छा सा तामीर करा दिया है शेड हमारे लिए, और बहुत बड़ा बैंकर का काम भी करेगा। तो हम शुक्रगुजार हैं आर्मी के जो हमारी हेल्प किए। सीओ साहब यहाँ जितनी फौज आ सकता शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे चिरंगड़ी गाँव में वहाँ एक पानी था, उस पर भी इन्होंने पानी को भी ठीक किया है। वहाँ शहर वगैरह बनाया है और वहाँ बाथरूम भी बनाकर दिया है। और सबसे ज़्यादा मैं मशकूर और शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि यहाँ जो ये ज़्यारत पीर बाबा सुने गली में, दूर दराज से यहाँ लोग आते थे, यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी। तो जनाब फौज ने और हमारे सीओ साहब ने बहुत बड़ा कोऑपरेट किया है और इन्होंने यहाँ अपनी तरफ से आज 1,00,000 रुपये का चेक दिया है, और इससे पहले भी इन्होंने मदद किया। तो मैं फौज का नहायत ही ममनूर और मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ। ऐसा माना जाता है कि सुनी गली पीर बाबा एक रहस्यवादी थे। साल 1920 से 1925 में इस सीमा क्षेत्र में भटकते थे। आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर के सभी हिस्सों से सभी धर्मों के लोग पीर बाबा दरगाह पर यहाँ सद्भाव में आते हैं, और किसी भी रूप में यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोग यहाँ अपनी प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। सालाना उर्स के मौके पर भी पीर बाबा की दरगाह पर जियारत के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।